छोटू भैया, क्या हालचाल? तो आज अपनी मंडली आ गई है माँ वैष्णो देवी मंदिर। जैसे कि आप इंदौर में जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी मंदिर बना हुआ है, तो ये रहा पीछे मंदिर माँ वैष्णो देवी का। तो अपन आ गए हैं मंदिर में, तो चलते हैं अपन मंदिर की ओर और मैं आपको मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ किस तरीके से बना हुआ है और कैसा क्या है। तो आइए अपन चले मंदिर के अंदर। बाहर से कुछ ऐसा बना हुआ है माता का मंदिर, बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जैसा कटरा में माँ का मंदिर बना हुआ है। जैसी गुफाओं में से माँ को अंदर जाना रहता है, उसी तरीके से मंदिर बना हुआ है। तो आइए अपन अंदर चलते हैं मंदिर के और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ माँ वैष्णो देवी के। चलिए आइए। तो गाइस, ये है सामने प्रवेश द्वार। हमने इधर जूता चप्पल स्टैंड है, तो यहाँ पर हमने जूते चप्पल रख दिए हैं। इस तरीके से प्रसादी वगैरह का भी यहाँ पर दुकानें हैं। यहाँ प्रवेश द्वार है माँ के मंदिर के अंदर जाने का, भवन के अंदर। प्रेम से बोलो जय माता दी। यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा बना हुआ है ये माँ के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, कुछ इस तरीके से है। यहाँ से हमारी जो माँ के मंदिर के अंदर की यात्रा है ये शुरू होती है। इस तरीके से बना हुआ है। शुरुआत में अपनों को यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है इस तरीके से। यहाँ से फिर कुछ ऐसे ही बना हुआ है। हम यहाँ आगे जाएंगे तो हम ये इस तरीके से गुफाएं बनी हुई है मंदिर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। काफी पतले पतले रास्ते हैं गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बावड़ी का रूप दिया है यहाँ पर। माँ वैष्णो देवी का दरबार कुछ इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए गुफा, ये करीब यहाँ से जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये करीब 2 से 2.5-3 फीट का है जिसमें से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ बाबा महादेव, माँ पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर देखिए आप कितना भव्य शिवलिंग है, कितना बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ पर देखिए शेषनाग भी बना हुआ है। सामने आपको छोटा सा झरना भी देखने को मिलता है इस तरीके से। आइए मैं आपको इसका दृश्य सामने की तरफ से दिखा देता हूँ। यहाँ आप आके देख लीजिए इस तरीके से बना हुआ है सारा। तो चले गाइस, जब अपन अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं माता के द्वार की तरफ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ने का रास्ता है। जगह जगह ये इस तरीके से बैठने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति आए तो यहाँ पर माँ के दरबार में बैठने की भी व्यवस्था है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके का रास्ता है। यहाँ अंदर आने के बाद हमें दो रास्ते दिखते हैं इसे, अर्धकुमारी रास्ता जाने का रास्ता, और एक ये चैनल गेट का कुछ रास्ता है जहाँ से अपन ऊपर चढ़ के आगे की तरफ माता के मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो हम ऊपर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या रास्ता है, नहीं तो फिर हम नीचे की तरफ से चलने वाले हैं। इस तरीके से, इस तरह से रास्ता है। तो हम वापस यहीं आने वाले हैं, तो इस वाले रास्ते से चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा गुफा वाला रास्ता है उस रास्ते से हम चलने वाले हैं, कुछ इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ से हमको घुटनों के बल आगे बढ़ना है, तो कुछ इस तरीके से हम घुटनों के बल यहाँ से आना है हमें, और यहाँ ऊपर की तरफ आगे जाना है ये इस तरीके से। अभी इसी चैनल गेट से मैंने आपको ऊपर आके दिखाया था रास्ता, और यही रास्ता आगे की तरफ जाता है माँ के भवन की तरफ, इस तरीके से है यहाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि कटरा में बना हुआ है। हमें पानी में से जाते हुए माँ के दर्शन के लिए जाना रहता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी बनाया गया है, पर अभी यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है।
तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं जहाँ माँ विराजमान है, माँ वैष्णो देवी विराजमान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माता का कितना अच्छा रूप है पिंडी रूप में। और यहाँ का कुछ इस तरीके से है गाइज कि यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं सामने जो जोत दिख रही है, यहाँ पर माता की कटरा से लाई गई है। तो कटरा से लाई गई जोत यहाँ पर स्थापित की गई है। उनके साथ आप यहाँ पिंडी रूप में माँ को भी देख सकते हैं, कितना अद्भुत रूप है माँ का और कितना सुंदर रूप दिखाया गया है यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। माँ के दर्शन के बाद जैसे ही हमारे कटरा में है बाबा भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भैरव बाबा मंदिर है, ये काल भैरव बाबा मंदिर है। यहाँ पर ये भैरव बाबा का हम दर्शन करके अब हम वापसी की तरफ चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो आइए हम चलते हैं इस तरीके से। वापस नीचे जाने का रास्ता है गाइस, स्लिपरी रास्ता है, धीरे धीरे आराम से ही उतरना है हमें यहाँ पर। तो प्रसाद लेने के बाद सीधा ये बाहर जाने का रास्ता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम बाहर भी हो सकते हैं यहाँ से, ये वाला सीधा रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है कुछ इस तरीके से है। और हम आ गए हैं गाइस अब बाहर की तरफ माँ के भवन से। तो आपको माँ का भवन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो है माता जी का माँ वैष्णो देवी का जो भवन है ये अपना मोहनाका पर स्थित है। मोहनाका के पास में अपना लालबाग है, लालबाग के पास में से सीधा रास्ता है अंदर की तरफ। ये कॉलोनी के अंदर बना हुआ है माँ का भवन। मैं आपको कमेंट में इसकी लोकेशन की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कैसे आना है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है दोस्तों कि आप आ सकते हैं आराम से और कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर आने में। बिल्कुल सही रास्ता है, पार्किंग वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है इनके पास। आप फैमिली के साथ आएँ और माँ के भवन में एक बार ज़रूर आएँ और देखें और पूरा लुफ्त उठाएं माँ के भवन का। तो चलते हैं, जय माता दी।